तो ये पहला प्रोजेक्ट, आपका पहला डेब्यू, वाई इश्केला, क्या था कैरेक्टर में जो विच स्पोक टू यू कि आपने इसको चूज़ किया? फर्स्टली इश्केला काइंड ऑफ वाजंट सपोज्ड टू बी मी, किसी और ने करना था. और जब कोविड हो रहा था तो आई थिंक 2020 में अगस्त में मैंने एक, क्योंकि उस वक्त तक कुछ प्रोजेक्ट्स की बातचीत चल रही थी, वो प्रोजेक्ट्स हो नहीं पा रहे थे या वो हो रहे थे तो वो डिले हो रहे थे, वट एवर. तो मैंने फैसला लिया था कि मुझे लगता है एक्टिंग मेरी किस्मत में नहीं है, मुझे नहीं करनी चाहिए. और You had ये given up. आई नॉट गिवन अप, आई जस्ट सेड कि यू नो थोड़े अरसे के लिए. आई बिलीव कि अल्लाह ताला का एक तरीका होता है और उन्होंने रख लिखा होता है. तो मैं एक फालतू में किसी चीज़ के पीछे लगा हुआ हूँ और एक पैशन है, चलो मैं इसको किसी और तरफ ले आता हूँ, अपनी म्यूज़िक पर ही तवज्जो देता हूँ. तो आई हैड क्लोज दैट बॉक्स और मैंने वो रख दिया था कि ठीक है, इट्स दैट. एंड देन मैं तेरा केम आउट, जिसका हमारा इंटरव्यू हुआ था, जी जो पहला मेरी एल्बम का पहला गाना था. और फिर उसके बाद कोई महीने बाद पता चला कि ये प्रोजेक्ट है. उन्होंने मेरा एक ऑडिशन MD प्रोडक्शंस में कोई 2 साल से रखा हुआ था एक और प्रोजेक्ट के लिए जो नहीं हुआ था. तो फिर उनको इस प्रोजेक्ट के लिए एक दो लोग थे जिनके जो उनके जहन में थे, उनसे बात बन नहीं रही थी. उन्होंने कहा था या तो वो होंगे या हम बिल्कुल एक नए शख्स को लेकर आएंगे ताकि बिलीवेबल बने, ठीक ये है. उनकी रीजनिंग थी. एंड फिर वो गाना इतफाक उसी टाइम में आया था, लोगों को वो अल्हम्दुलिल्लाह पसंद आया था. सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स दे सेड यू वांट टू डू इट. मेरे जहन में ये हमेशा से था कि मैं एज एन एक्टर जब आऊँगा मुझे कैरेक्टर प्ले करना है. मुझे कन्वेंशनल हीरो टाइप कैरेक्टर में पहला काम नहीं करना कि वो बहुत अच्छा लड़का है और वो लड़कियों को दुश्मनों से बचाता है, गुंडों से, और वो छुप के इस तरह हम देखे छुप के मस्जिद जाता है और वो यतीम खाने भी दूर से लड़की देखती है. मतलब मुझे वो वाला कैरेक्टर नहीं नहीं करना करना था. था. ओके मुझे ठीक था कि कोई कैरेक्टर हो जिसमें मैं, अगर मेरे अंदर कोई काबिलियत है, वो मैं दिखा सकूँ, और है. अगर ना भी दिखा सकूँ तो कम अज़ कम मुझे सीखने का मौका मिले. सो दैट्स व्हाट अट्रैक्टेड मी अबाउट इश्क़ क़िला. जाते हुए क्या मैं नर्वस था? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा. मतलब पता चला कि जी मेरे को एक्ट्रेस कौन आई है, नो. बहुत ज़्यादा. मैं आज भी जब चाहे जब मैं नदीम साहब के साथ अपना सीन देखता हूँ तो मुझे यकीन नहीं आता कि मेरे अंदर जरूरत क्यों थी कि मैं उनके सामने बैठ भी यू गया. सो प्रिविलेज्ड. आई या मीन ऑफ आई कोर्स एम ऑफ यू कोर्स यू नो एब्सोल्युटली कि कास्ट देखे माशाल्लाह माशाल्लाह से. एब्सोल्युटली ऑफ कोर्स. तो जब सच बोलूँ, जब अपॉर्चुनिटी आई तो मैंने यही सोचा, मैंने कहा कि यार मुझे अपनी इसमें, मुझे समुंदर के सबसे गहरे कुएं में, सबसे गहरे पॉइंट पे डाला जा रहा है, मुझे बस डूबने से बचना है. ठीक है, मैंने अपनी जाकर आपको मिडल में जाके फेंक रहे हैं. हाँ मुझे बोले नहीं फेंक नहीं बोले छलांग लगा दो भाई जी जी तुम. हाँ मुझे ओलंपिक डाइवर नहीं बनना इस वक्त, हाँ मुझे अपने कोई स्टंट्स नहीं दिखाने, मैं मुझे डूबना नहीं है, क्योंकि मैं, मुझे पता है कि मैं समुंदर के ये एंड में हूँ और हर तरफ से या पानी पानी है. अच्छा सॉरी कट. आपको पता था यमुना इन सजल? हाँ कहने से पहले पता था या हाँ कहने के बाद पता चला? नहीं, पता मुझे पता था, था. मुझे पता था, ओके मुझे पहले से वार्न किया गया था कि ये है तुम्हें करना है नहीं करना. मैंने कहा कि देखें ये इट्स गोइंग टू बी अ चैलेंज, आई लव चैलेंजेस. एंड अगर ये, मैंने जहन में सोचा था कि इसका वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है. मैं हमेशा चीज़ों को ऐसे ही सोचता हूँ कि मतलब मैं कभी भी ज़िंदगी में, मैंने इस तरह से स्कीम नहीं किया कि मैं यूँ करूँगा तो मेरा ये हो जाएगा और ये, मतलब तो मैं कभी भी नहीं, मैंने सोचा कि यार वर्स्ट केस सिनेरियो क्या होगा. क्या था? मुझे, आई वांट टू लिसन टू दैट मैंने बोला कि म्यूजिक. मुझे 6 महीने पाकिस्तान के सबसे अच्छे एक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिलेगा. वर्स्ट केस सिनेरियो ये. वर्स्ट केस सिनेरियो ये, नाइस आई लाइक मतलब योर. यू नो व्हाट आई एम सेइंग, मतलब वर्स्ट केस सिनेरियो के मुझे बेस्ट लोगों के साथ जो अपने फील्ड में माहिर हैं उनके साथ वक्त गुजारने का मौका मिलेगा, उनसे सीखने का मौका मिलेगा, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है. और बेस्ट केस सिनेरियो के लोगों को मैं थोड़ा अच्छा लग जाऊंगा, मतलब. तो इट वाज वेरी क्लियर टू मी, इसमें कोई मतलब आज अगर कोई कह रहा है कि तुम सज्जल जी या यमुना जी इनसे, इनके जितने अच्छे नहीं थे, ये तो कौन सी कोई इंसल्ट हो गई. नहीं ये तो बिल्कुल सबसे नहीं. अच्छे एक्टर्स हैं, हम सब कोशिश करेंगे एक दिन उनके जितने बिल्कुल अच्छे हों. सो दैट फॉर मी इज़ नॉट, वॉज नेवर अ क्राइटेरिया. द ओनली थिंग दैट वॉज वेरी क्लियर वॉज कि वर्स्ट केस में मुझे एक 4 यूनिवर्सिटीज जितना एक्सपीरियंस मिल मिलेगा, जाएगा. और उसके बाद अगर लोगों ने मुझे थोड़ा पसंद कर लिया तो दोबारा करने का मौका मिलेगा, और मुझे वो स्किल्स जो सीखी होंगी थोड़े बहुत. एंड दैट्स, ये मैं सिर्फ एक्टर्स की बात कर रहा हूँ, मैं क्रू की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टर. अमीन सर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मोमिना भाभी और कैसरा आपा की बात नहीं कर रहा हूँ. सो इट्स ऑल अराउंड, इट वॉज एन अपॉर्चुनिटी वेर आई कुड लर्न, एंड दैट्स वेयर आई मेड द डिसीजन प्रीटी मच. तो किससे पहले मुलाकात हुई थी? यमुना से या सजल से? एंड टेल मी हाउ व्हाट इंसिडेंट्स. बताएं क्या हुआ था, मिले क्या? अच्छा इनमें से पहले मिल चुके थे आप दोनों में से किसी से या ये सेट पे ही पहले मुलाकात हुई?
यमुना जी से आई हैड नॉट मेट बिफोर. सज्जल आई न्यू फ्रॉम बिफोर बट वी हैड नॉट वर्क टुगेदर और एनीथिंग. सोशली मिले थे एक दो दफ़ा बट मेरा पहला जो था इट वॉज विद यमुना एंड इट वॉज फनी क्योंकि होता ना कि मुझे नहीं पता था कि मैं कैसे अप्रोच करूँ क्योंकि मुझे पता था हमारी स्क्रिप्ट में नहीं बननी कोई 20 एपिसोड तक एंड वो एक बहुत डेडिकेटेड एक्टर हैं. मुझे याद है पहले 3 दिन मैंने बड़ी कोशिश की दोस्ती करने की ना कि मतलब जब सब बैठे हुए हैं कि क्या हाल है और वो मुझसे बात ना करें सबसे अच्छे से बात करें मुझसे बात ना करें एंड आई वॉज अ बिट लाइक अच्छा तब मैंने क्या किया मतलब फिर मुझे बाद में समझ में आया कि वो कैरेक्टर में रहना चाह रही थी या उनका जो भी मेथड है तरीका है तो दैट इज़ व्हाट वाज माय फर्स्ट इंटरेक्शन विद हर. फिर बाद में ऑब्वियसली चीज़ें थिंग्स गॉट ओके एंड शी इज़ अमेजिंग एंड देन द सेम थिंग विद सज्जल जी. व्हेन वी फर्स्ट मेट तो ऑब्वियसली शी इज़ समबडी हु सरप्राइज्ड मी अ लॉट क्योंकि वो अपने काम को इतना एक तरीके से उनका एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा है एंड ऑब्वियसली टैलेंट इतना ज़्यादा है दैट देर इज़ नो प्रिटेंशियसनेस एट ऑल. वो आपको 2 मिनट लगे आपसे बात कर रही होंगी और अगले सेकंड शी विल बी एबल टू फुली गेट इनटू अ कैरेक्टर एंड फुली डू द सीन तो आप परेशान हो जाते हैं. आपको बोलता है मतलब शुरू में आवाज देख ये भी तैयार नहीं है कोई बात नहीं आराम से हो जाएगा इनसे भी 4 गलतियाँ होने वाली हैं मुझे अपनी लाइन नहीं सही से याद क्या फ़र्क पड़ेगा. अब जैसे कैमरा रोल हुआ सारी लाइनें याद सब कुछ याद सारे क्यूज याद कहाँ क्या बोलना है कहाँ फेस करना है. ओह ये तो मेरे साथ भंडू है अच्छा बिकॉज शी वॉज दैट प्रिपेयर्ड. मुझे बहुत इस तरह याद है मैं इतना रिलैक्स हो गया था ना क्योंकि आई वॉज लाइक वो भी चाय पी रही हैं अपने फ़ोन पर बात कर रही हैं आराम से शी इज़ गोइंग टू यू नो ऑल्सो टेक सम टाइम बट लकीली वो ऐसा हुआ नहीं मतलब वो उनका एक्सपीरियंस है एंड फिर मुझे अपने जाके ना रात को चीज़ें स्क्रिप्ट में सारी याद करनी पड़ी अगले दिन की वजह से बिल्कुल. जब ड्रामा शुरू हुआ काफ़ी बैशिंग आई काफ़ी नेगेटिव फीडबैक आई. आप सोच रहे थे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आएगी इस तरह की या बिल्कुल प्रिपेयर्ड नहीं थे या एक थोड़ा सा एक्सपेक्टेशंस थी लेकिन बैशिंग जो आई वो बहुत ज़्यादा आई. क्या सिचुएशन थी एंड ऑनेस्टली हाउ डिड यू डील विद दैट. इट फेल्ट बैड एट वन पॉइंट बिकॉज मैं आपको एक रिहर्स जवाब तो जरूर दे सकता हूँ कि नहीं 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 मतलब इट डिड फील बैड बिकॉज एंड व्हाट फेल्ट बैड वाजंट सच बोलूँ गैर लोग जिनको आप जानते नहीं आपके बारे में बुराइयाँ करें ना वो इतना कोई लेकिन जब आपके इर्द गिर्द लोग हैं जो आपके करीब होते हैं और उनको लगता है कि इसको ये नहीं करना चाहिए तो जब उनको मौका मिलता है तो वो एक मजीद रीअश्योरेंस मिलती है तो वो कहते हैं देखा समझ रहे ना. सो दैट फॉर मी इट डिड हर्ट इट लेकिन मैंने ये कभी भी खुद को क्वेश्चन नहीं किया